हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मल्टी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड अपडेट्स के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरे देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिन और टाइम और एक डेट दे रहा हूँ, उसको आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको वो टाइम मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले सैटरडे का दिन है, 24 अगस्त है और 10:30 बजे रात को। उस दिन आपको पता चलेगा मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवीज और नए डिज्नी के प्लस के शो देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। और जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस हुए थे, वो इन हिंदी में भी रिलीज होंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो केविन फाइगी ने लास्ट में नाम बोले थे, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वगैरह, कैप्टन मार्वल 2, वो सब इसमें अनाउंस होने वाले हैं। तो याद रखिएगा इस दिन को। देन अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, नाइटमेयर से रिलेटेड। तो एवा ग्रीन को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट करा गया है और काफ़ी लोगों की शिकायत है कि वो कैरेक्टर तो मेल है, पर ऐसा नहीं है। मार्वल एमसीयू में चेंजेस होते रहते हैं मेल फीमेल के, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, जोम्बीज का। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जोम्बीज एमसीयू में आ चुके हैं। जी हाँ, सैन डिएगो कॉमिक कॉन में व्हाट इफ नाम की एक एनिमेशन टीवी सीरीज लॉन्च करी गई थी, जिसमें कि कैप्टन अमेरिका जोम्बी में दिखाए गए हैं। तो ये एक रेफरेंस है, क्योंकि मार्वल इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है कि जोम्बी कैरेक्टरों को लोगोस में दिखाए। तो हाँ, हमें इन फ्यूचर 1-2-3 एपिसोड में जोम्बी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। देन एक और अपडेट है, एक और टीवी सीरीज से रिलेटिव, जिसका नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो जीमो को ऑफिशियली लुक लॉन्च हो चुका है, जो कि एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, और इसने वही पर्पल कलर का मास्क पहन रखा है, जो कि थोड़ा बैगनी टाइप का और थोड़ा पर्पल कलर का, दोनों मिक्स कलर का होता है। और ऑस्टिन एलेंस ने फाइनली 200 बार मूवी देख चुके हैं एवेंजर एंड गेम, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी बात है, और कोई इसको नहीं देख पाया आज तक 200 बार तक। देन उसी के साथ रियान ने कंफर्म कर दिया डेडपूल इंट्रोडक्शन फेज 5। तो इन फ्यूचर आपको डेडपूल फेज 5 में देखने को मिलेगा। केविन स्मिथ ने कंफर्म कर दिया कि हावर्ड डक पर एक टीवी सीरीज बनेगी, जो कि हुलू पर रिलीज होगी, अगर आप हुलू स्ट्रीमिंग सर्विस देखते हो। ओकोई कंफर्म हो चुकी है ब्लैक पैंथर 2 में, अगर आपको नहीं पता है तो ओकोई कंफर्म हो गई है ब्लैक पैंथर 2 में, जो कि इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ कैट कंफर्म हो चुकी है कि वो थॉर एंड लव एंड थंडर में रिटर्न होंगी। जी हाँ, वही कैरेक्टर है जो कि जेन फोस्टर की एक असिस्टेंट थी। देन उसके बाद नेट का ऑफिशियली नेम कंफर्म हो चुका है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एडवर्ड, ये इनका रियल नेम है, जो कि कॉमिक बुक में भी था। देन उसी के साथ थॉर फॉक्स स्टार स्टूडियो में नेक्स्ट ईयर शूट होने जा रही है, ये एक ऑस्ट्रेलिया में स्टूडियो बहुत काफ़ी बड़ा। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।